परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई और खूब जाए थाल। ये तो आना जाना लग्या हुआ है जो कीड़ी का नाल। एक व्यक्ति को 12 वर्ष शादी की विवाह के उपरांत पुत्र प्राप्त हुआ और उन्होंने एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जिसमें लाखों रुपए खर्च किए, बहुत से व्यक्तियों को बुलाया और वही बच्चा फिर अगला जन्मदिन नहीं मना सका, पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपुण्य आत्मा, परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबी ना काल का, ये काल आहार है और कुछ मुख में कुछ गोद। 1,00,000 ये प्रतिदिन खा लेता है, हिसाब लगा लेना प्रतिदिन कितने व्यक्ति मरते हैं। और 1,25,000 ये नित उत्पन्न करता है, ऐसा विधान है, 25% एक्स्ट्रा जन्म देता है। तो यहां परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई खूब जाए थाल, आना जाना लग्या हुआ है जो कीड़ी का नाल है। एक ही रास्ते से जा रहे हैं, एक ही रास्ते से आ रहे हैं। जन्म लेने वालों का नीचे को स्पीड है और मृत्यु के बाद ऊपर को जाने वालों की स्पीड है उसी रास्ते से। ऐसी स्थिति है इस जीव की जैसे कीड़ी का नाल, आपने देखा होगा कीड़ नाल बोलते हैं, ये चीटियां ऐसे ऐसे लाखों इधर भाग रही है, लाखों इधर भाग रही है और एक मिनट की फुर्सत नहीं। तो परमात्मा कहते हैं आना जाना लग्या हुआ है जो कीड़ी का नाल है। कहने का भाव ये है परमात्मा का कि मान लीजिए परमात्मा ने आपको पुत्र दिया, इसमें खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है, इतनी खुशी है कि भगवान ने एक आत्मा भेजी है और हम इसको प्रभु के चरणों में समर्पित करें और उसके सेवा करें, उस परमात्मा के बच्चे की, आत्मा की, लड़का हो या लड़की। अब परमात्मा कहते हैं कबीर साहेब राम रटत कन्या भली साकट भलो न पूत, जैसे बकरी के गल में गल थना जिसमें दूध न मूत। बकरी के गल में एक थन जैसी एक एक्स्ट्रा खाल लटकती है, थन सतन जैसी। तो उदाहरण देते हैं परमेश्वर कबीर जी के, राम रटत कन्या भली, बेटी भली तो भगवान की भक्ति करती है और साकट भला ना पूत। साकट किसे कहते हैं, जो स्वयं भक्ति नहीं करे और जो भी उसके अधीन या उससे संबंधित है उनको भक्ति करने नहीं दे। केवल भक्ति करने से मना करने वाला ही नहीं, जैसे कई ऐसे व्यक्ति बच्चे हैं जो इतनी शरारत इतनी गलतियां कर देते हैं, कोई शराब पीता है, कोई चोरी करता है, कोई और बकवाद करता है, काम नहीं करता है, तो वो भी उसकी भक्ति में बाधक है। और जो पुत्र नाम नहीं लेता उसके ऊपर फिर कर्म के दंड आपदाएं आएंगी। अब बेटे पर आपदाएं आवेंगी, कोई दुख होगा, माता पिता पर देखा नहीं जा सकता उसका दुख, उसके दुख में दुखी होते हैं। और परमात्मा कहते हैं राम रटत कन्या बली, वह बेटी अच्छी जो भगवान की भक्ति करती है, क्योंकि बेटी के ऊपर कोई कर्म का दंड आवेगा, प्रारब्ध में कोई कष्ट होगा, उसको परमात्मा की भक्ति निष्क्रिय कर देगी, उस बेटी पर आपत्ति नहीं आवेगी। और बेटी दुखी नहीं होगी तो माता पिता भी सुखी रहेंगे और भक्ति आराम से कर सकेंगे। और यदि बेटी भक्ति ना करती होती, उस पर रोज की कोई न कोई कंप्लेंट आती, पति शराब पीता है, बेटी को पीटता है, या कोई और आपत्ति आएगी, बेटा मर गया, बेटी पुत बेटी मर गई, और समस्या आ गई, तो माता पिता की भक्ति में वह बाधक होती बेटी भी।
तो यहां परमात्मा कहते हैं राम रटत कन्या भली, क्योंकि वो दुख का कारण नहीं बनेगी। और साकट बला नापूत बेटा, वो साकट कहते हैं इसे बेटे की जरूरत नहीं जो भक्ति ना करता। और वो लड़का जो भक्ति नहीं करता वो कैसा है आपके लिए, जैसे छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत, यानी किससे काम का भी कोनी। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्मा कि वो बकरी के गल में थन जय आकार का खाल लटकता है, वो उसके गल में व्यर्थ का वजन है, वो यूजलेस है और दुख है उसको, क्योंकि वो एक वजन ठाए फिर रही है। तो ऐसे वो पुत्र जो साधना नहीं करता वो माता पिता के सिर पर ऐसे बोझ समझ लो जो भक्ति करते हैं, और पुत्र भक्ति नहीं करता। बेटी भक्ति करती है तो वो अच्छी है, वो हमारे लिए सुखदाई है, क्योंकि उसके आने वाले प्रारब्ध के कर्मों में परमात्मा इंटरफियर करेगा और उसको सुखी रखेगा। कबीर परमात्मा कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं, पात जड़नता ये कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। जैसे एक परिवार के सदस्य की मृत्यु होती हो, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है कब मृत्यु निश्चित है, फिर वो मन में विचार करता है भगवान ना पता भी कहाँ जन्म होगा कहाँ जाऊंगा। तो यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं कि पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गुरंगे जाए। अब तरवर यानी पेड़ उसको कहता है, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की तो यह है रीति है एक आवे एक जात, यहाँ की ऐसी परंपरा इस काल के लोग की, यहाँ की यह रीति है, यहाँ का ऐसी ही व्यवस्था है, ये अटल व्यवस्था है यहाँ की कि जिसका जन्म हो गया मृत्यु अवश्य होगी। तो वो स्थान कहाँ है जहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम कोई भी मृत्यु नहीं चाहता। बता मृत्यु भी कोई चीज है, और किस लिए? जब आज हम कितने अपना चाहे दुखी हैं चाहे सुखी हैं, परिवार है संपत्ति है छोटी मोटी जैसी भी है, आप हम देख कितने खुशी खुशी रह रहे हैं, अरे एक मिनट में मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, हमारे को कति मूर्ख बना रखा है चौड़े में। प्रतिदिन हम देखते हैं उसका पुत्र मर गया, उसकी पुत्री मर गई, उसका दो परिवार के सदस्य एक एक्सीडेंट में मर गए, अपना डर गति नहीं अपनी चिंता नहीं, हम फिर भी ऐसे मस्ती में रहते हैं। परमात्मा कहते हैं मौत बिसारी बावड़े तो अतरज कर दिया कौन, तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौन। एक बार युधिष्ठिर जी से यक्ष ने प्रश्न किए थे कि इस विश्व में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया था कि सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हम प्रतिदिन अन्य को मरते हुए देखते हैं परंतु अपने मरने की चिंता कति नहीं होती। तो यहाँ परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि मौत भूल गया बावड़े, तने अचरज किया कौन, और तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौन। अब मृत्यु वैसे तो सभी को पता है मृत्यु होगी, आपको भी पता है, लेकिन हम ये सोच करके अभी मृत्यु नहीं होगी क्योंकि अभी तो मैं 60 वर्ष का हूँ, मनुष्य का जीवन 100 वर्ष तक बताते हैं, तो हमने अटकल ला रखी है कि 40 वर्ष तो और जीवन रहेगा ही रहेगा। अब कोई 20 वर्ष का है उसकी तो कहना है क्या बहुत लंबी उम्र हो भी, तो अब खाक लंबी है, एक मिनट में मृत्यु हो जाती है, क्या लंबी है ये, ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पासा वे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हासा वे।
एक समय आदरणीय नानक साहिब जी के पास जैसे भगतजन जाते हैं संतों के दर्शनार्थ, कुछ तो अनुयायी होते हैं, कुछ अन्य आ जाते हैं श्रद्धालु। वो पूछते हैं कि हे प्रभु, आप कभी हमने यानी खुशी दिखाई नहीं दिए, कोई विशेष आपके चेहरे पर विशेष खुशी के चिन्ह नहीं, आप मायूस से रहते हो, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा, नानक साहब जी ने कहा कि ना जाने काल के कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, जिना ते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हसावे। अपने आत्मा के संतों को पता हो जाता है कि यहाँ किस चीज़ पर खुशी मना रहे हैं, क्या पर बैंड बाजे बाजे शायद विवाह होता है, जब धरती आकाश ये कर दे हैं मूर्खता के कारण ये प्राणी। और आजकल तो एक बीमारी और नई लागी डीजे बजाने की, और एक और नया सांग करन लग गए सारे नाचने वार, बेटा वीर बेटी भी, बाप वीर माँ भी, एक कंदर हो गए सारे बिना ज्ञान के, शर्म रही ना लाज रही। और किस लिए नाच रहे हो? पुत्र का विवाह हो रहा है। एक समय ऐसे तो बहुत घटना घटती है, पर एकादी तो हर दिन छू जाती है। एक समाचार पत्र में लिखा था कि रोहतक का एक लड़के का विवाह था, पहले दिन के चित्र ले रखे थे, डीजे बना के बचा ला कर नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। अगले दिन बारात जानी थी सवेरे, कलानौर के पास रोहतक से 20 किलोमीटर दूरी पर, 15-20 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा है कलानौर, उसके पास एक्सीडेंट हो गया, दूल्हा भी मर गया, 4-5 और मर गए, एक ही सदस्य एक ही घर के 2-3 सदस्य मर गए। अब पहले दिन तो वो डांसर हो रहा था और फिर वो टक्कर मार रहे, अब कर लो डांस। तो संतों की बातों पर विचार करना चाहिए जब भक्ति करना चाहते हो। परमात्मा का आदेश है और महापुरुषों ने भी यही ज्ञान दिया है कि यहाँ कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके ऊपर आप खुशी मना सकते हो। परमात्मा कहते तुम तो एक पुत्र और उसके ब्याह में फूले नहीं समाते, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती, कैसा काल की करड़ाई आई, 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख एक से एक शक्तिशाली और समृद्ध रिश्तेदार थे, आप जी का हमारा तो एक कोई रिलेटिव अच्छा कोई MP MLA हो जाए, हम तो फूले नहीं समावा और धरती तो अलजा ना जाने के गलतियां कर जा। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण का आज दीवान बाती, क्या कहते हैं, आवत संग ना कोई जात संगाती, रावण का 1 लाख पुत्र थे और सारे मृत्यु को प्राप्त हुए राम रावण युद्ध में, और उसका कोई दीपक जलाने वाला शेष नहीं रहा और फूला नहीं समावा था, मेरे 1 लाख बेटे। किसी का 1 पुत्र हो जाता है तो वो एक बड़ा खुशी हो जाता था, और अभी 20-30 वर्ष पहले 40 वर्ष पहले तो जितने पुत्र हो जाए उतने थोड़े, और जितने ज़्यादा पुत्र हों उतना गुणा खुश फूला नहीं समावा मानस व्यक्ति की, ऐसी स्थिति थी। अब परमात्मा कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लख नाती, उस काज की तरह कोई दीपक लाने वाला नहीं इस काल के लोक में। किस वस्तु को तुम अपनी मान कर और भूल रहे हो भगवान और बैठ गए जम के यहाँ पर, ये स्थान तुम्हारा नहीं है, ये ठिकाना तुम्हारा नहीं है। या तो मनुष्य जीवन इसलिए मिला था कि आप परमात्मा को याद करो भक्ति करो। परमेश्वर कबीर जी ऐसे बताने आए थे अपने बच्चों को कि तुम मेरी संतान हो, तुम सतलोक में रहा करते थे, वहाँ तुम्हारी जन्म मृत्यु नहीं होती थी और वहाँ कोई कष्ट नहीं था, किसी चीज़ का अभाव नहीं था, अकाल नहीं गिरते थे, फ्लड नहीं आते थे, भूकंप नहीं आते वहाँ पर,
सदाबहार पेड़ वृक्ष, सदाबहार हर वस्तु, तुम उसको छोड़कर वो सुख यहाँ तलाश कर रहे हो। ये यहाँ तलाश, ये सुख नहीं है। वहाँ सबका अमर शरीर है, आपका परिवार है, आपके वहाँ पूरे महल के महल खाली पड़े हैं, बहुत सुंदर महल है वो, जहाँ से आप अपनी गलती से छोड़ कर आ गए। इस काल ने आपको बहका लिया, बड़े सुंदर बाग बनाऊंगा, बगीचे बनाऊंगा, ये करूंगा। हम जो वहाँ से पुण्य लाए थे वो भी खर्च करवा दिए इसने, यहाँ पर लूट लिया अपने को। अब आपको भक्ति करा के उतना ही धनी बनाकर, जितने आप वहाँ से धन लेकर आए थे उतना ही धनी बना करके, और इसका भी कर्जा उतार के तब सतलोक ले जाया जाएगा। परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर अंत की बारी, लास्ट समय में, अंत समय में मृत्यु की होगी तब। हाथ झाड़ जैसे चला जुआरी, जैसे कोई जुए में हार जाता है लाखों रुपए, और फिर हाथ मसलता जाता है, नाश हो गया, अरे नाश हो गया, सब कुछ लूट गया। कहते हैं जो भक्ति सत नहीं करते, सत साधना नहीं करते, कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चला जुआरी, ऐसी दशा होगी। तो यहाँ हम खुशी जो मनाते हैं, हम किसी वस्तु के ऊपर एक विशेष प्रक्रिया करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, उस पर भी पता नहीं के सांग करते, बेमतलब की बकवादे हैं। भगवान ने पुत्र दे दिया, पुत्री दे दी, उनका पालन पोषण करो, उनका पढ़ाओ लिखाओ, और फिर उनको भक्ति कराओ साथ के साथ, उनके अच्छे संस्कार बनाओ उन बच्चों में, इतना सा काम है, फिर उनका विवाह कर दो और अपना भक्ति करते रहो। वो भी भक्ति करें, आप भी करो, आप भी पीछा छुटाओ, उन बच्चों को भी उसी दिशा में रखो, उनका भी कल्याण हो। तो आप माता पिता हैं सच्चे। परमात्मा कहते हैं, माता सोए सराहिए जो पुत्र दे उपदेश, और कहा कि नहीं तो सभी व्यभिचारिणी, यूं कहते हैं शेख शेष, कहते हैं परमात्मा कहते हैं, माँ वाह सराइये जो अपने पुत्र पुत्री ने बच्चे को ज्ञान देख, बेटा भक्ति करनी चाहिए, ये कुछ दिन का जीवन है, तुम्हारा जीवन सफल होगा, यहाँ भी सुखी रहोगे, सतलोक चले जाओगे, और नहीं तो कहते हैं फिर वो माँ अच्छी नहीं। ऐसे ही पिता के बारे में कहा है कि बच्चे को, अपने को, संतान को, बेटा बेटी को भक्ति पर अवश्य लगाए, ताकि उससे क्या होगा कि आपका 90% भार कम हो जाएगा, जो टेंशन आपको बढ़नी थी। बच्चे भक्ति करेंगे, परमात्मा उनका साथ देगा, नियम में रहेंगे। तो देखो, जब तक हम मर्यादा में रहेंगे परमात्मा आँच नियान देगा, और हम नियम भंग कर देते हैं क्योंकि हम ऐसे समाज में रह रहे होते हैं कि वो समाज उस संसारिक क्रियाओं को ही उत्तम मानता है। उनसे हटकर कोई क्रिया करता है तो उनको अच्छा नहीं लगता, और वो आपको भी अपने ही बहाव में बहा लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, दृढ़ होना पड़ेगा, परमात्मा के वचन पर रुकना, आपने उस पर स्टैंड करना पड़ेगा, जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद चुड़ा सके। ऐसे तो नानक साहब जी कह रहे थे कि ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासा वे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी नानो केड़ा हासा वे। फिर नानक जी से पूछा कि हे प्रभु, क्या आप सदा ऐसे ही रहते हो? नानक जी ने कहा भी ना जाने यहाँ के बिजली गिर जा, किस चीज पर खुशी मनाऊं? तो फिर पूछा कि क्या हे महात्मा जी, आप कभी खुश नहीं होते? तो उन्होंने कहा भी खुशी होता हूँ। कब होता हूँ खुश? साध मिले साड़ी शादी होंदी, बिछड़ जा दिलगीरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। साध मिले साड़ी शादी होंदी, नानक जी कहते हैं कि जब मेरे बच्चे साध माने भक्त साधक, साध सोए जो सीधा चाले, बुराइयां त्याग दे, बकवाद नहीं करता, वो साधु होता है, संत होता है, भक्त होता है। साध मिले साड़ी शादी होंदी कि जब ये बच्चे मेरे अनुयायी मेरे पास आते हैं सत्संग सुनने के लिए, तो मुझे खुशी का ठिकाना नहीं रहता मेरी का। क्यों? क्योंकि मुझे एहसास होता है
कि ये बच्चे मेरे अनुयायी मेरे शिष्य ये काल के जाल में फंसे नहीं, इनको कोई गुमराह नहीं कर सका। साध मिले साड़ी शादी होंगी और विछड़ जा दिलगिरी वे, जब ये जाते हैं यहाँ से समाज में संसार में तो मुझे दुख होता है, मायूसी छा जाती है कि कहीं इन बच्चों को कोई दीमक ना लग जाए, कोई कीड़ा ना लग जाए मेरी फसल को, कोई काल का दूत इनको भ्रमित ना कर दे। और जब ये वापस आ जाते हैं एज इट इज अगले सत्संग में, तो फिर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि इन बच्चों को काल के दूत खराब नहीं कर सके। पुण्यात्माओं यही दशा होती है एक संत की। आप जी जो है परमात्मा के पौधे हो, ये परमात्मा का बाग है, वो इस चमन का माली है और ये दास संत जो होता है उसका नौकर होता है उस माली का। और उस नौकर की नौकरी बरकरार तभी रहती है जब वो उन पौधों को हरा भरा रखता है, उनकी मजदूरी मेहनत करके उनसे घास फूस काटता रहता है, उनकी बाड़ बना कर रखता है, सिंचाई करता रहता है। और वो बाग हरा भरा है तो माली खुश होता है कि नौकर ठीक है। तो आप उस परमात्मा के चमन के पौधे हो, बूटे हो, पेड़ हो, और दास संत जो होता है उसका नौकर होता है। तो नानक साहब जी कहते हैं साध मिले साड़ी शादी होंदी विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे, कि तुम वापस आ जाते हो तो मुझे खुशी का ठिकाना नहीं जब तुम जाते हो इस संसार के अंदर, क्योंकि वहाँ किसी को भक्ति का ज्ञान नहीं और कहीं आपको कोई भ्रमित ना कर दे, इसलिए मुझे फिर मायूसी सा जाती है। क्योंकि पुण्यात्माओं डॉक्टर को पता होता है कि इसको कितना भयंकर रोग है, और उस मरीज को कहा जाता है 10 दिन की टेबलेट दे दी है, इनको फिर चेकअप कराने आना इनको खा के। अब वो नहीं आता है तो उस डॉक्टर को पता होता है कि या तो उसने कोई नीम अकीम टकरा गया जिससे वो यहाँ नहीं आया और अब वो मरेगा, और या उसने टेबलेट नहीं खाई, औषधि पूरी खाई नहीं, आया नहीं, उसकी मृत्यु होगी। तो पुण्यात्माओं आप जी को यहाँ जो औषधि दी जाती है, औषधि का मतलब है जन्म मरण के रोग को काटने का एक उपचार किया जाता है, सतमंत्र बताए जाते हैं, ये साधना आप करते हो और आपको बताई जाती है, और आप जाकर के नित नियम करते हो, भक्ति करते हो, डेली मंत्र करते हो, तो आप औषधि खा रहे हो और आप नाम ले गए, मंत्र ले गए, मंत्र जपे नहीं, साधना करी नहीं, मर्यादा रखी नहीं, परहेज रखे नहीं, तो फिर आप नहीं आओगे यहाँ पर, क्योंकि आपको भगवान सहारा दे नहीं सकता और आपको सुख नहीं हो। जिस उद्देश्य को लेकर आए थे मर्यादा नहीं रखोगे तो भी नहीं होगा। तो आप यहाँ नहीं आता जो प्राणी, इस दास को पता है कि वो काल के हत्थे चढ़ गया, या तो उस किसी ने मिसगाइड कर दिया है, या उसने टेबलेट खाई नहीं, यानी भक्ति नहीं की, जिस कारण से वो जिस वांछित वस्तु को चाह रहा था वो मालिक ने मौज बख्शी नहीं। परमात्मा कहते हैं अपनी महिमा आप पे बताते हैं कि सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। इस कबीर परमेश्वर के विधान में, कबीर परमेश्वर की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, ये वो समर्थ परमात्मा है, ये वो समर्थ परमात्मा है जिसके शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है, लेकिन हमें उसका लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा है समर्थ के दरबार में, तो हमारी कोई चूक चाकरी में, हमारी कोई पूजा सेवा श्रद्धा में कमी रहेगी। नहीं तो सतगुर जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। चित्रगुप्त के कागज फाड़ना मीन आपके प्रारब्ध के पापों को नाश कर देगा। आपके संस्कारों में किसी कारण से कोई भयंकर कष्ट हो
उसको खत्म कर देगा परमात्मा, वो कष्ट नहीं आने देगा। आपकी मृत्यु होनी हो 10-20-50 वर्ष की उम्र में और आप सत भक्ति कर रहे हो तो आपकी उम्र बढ़ा देगा, ये वो परमात्मा है। और वैसे तो पुण्यात्माओं एक श्वास भी नहीं ले सकते आप, यहाँ पर ऐसा विधान है। कहते हैं एक साधक था, एक ऋषि था, उस ऋषि को किसी अन्य एक ज्योतिष देखने वाले ने, हस्तरेखा देखने वाले ने बता दिया कि आज से चौथे दिन आपकी मृत्यु होगी। अब उसको समस्या पैदा होगी भाई। उसने कहा फिर कोई समाधान बताओ। उस ज्योतिषी ने, हस्तरेखा देखने वाले ने कहा कि चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी यहाँ की उत्पत्ति करता है, जिसे न ज्ञान है। अब ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी बोला भाई देखो मैं उत्पत्ति अवश्य करता हूँ लेकिन उम्र बढ़ाना मेरे बस की बात नहीं, विष्णु जी के पास चलते हैं, वो हमारा पालन करता है, वो ठेका ले लिया गया और तुम्हें रोटी टूका देने की ज़्यादा। उसके पास गए, विष्णु जी के से प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे एक ऋषि है और ये क्या कहता है कि मैं अपने किसी वैसे अन्य उद्देश्य से जीवन एक्सटेंशन नहीं चाहता, मैं केवल भक्ति करना चाहता हूँ कि कुछ समय और मिल जावे तो मैं भक्ति कर लूँ। विष्णु जी कहने लगे भाई तेरा टारगेट तो बढ़िया है, उद्देश्य तो सही है, अच्छी बात है, परोपकार का है, कोई स्वार्थ का नहीं है, लेकिन मेरे बस की बात एज एक्सटेंशन करना नहीं है, आयु वृद्धि नहीं है। भगवान शिव जी के पास चलते हैं, शंकर जी के पास, क्योंकि वो संहार करता है, वो तेरा जीवन बख्श सकते हैं। अब शंकर जी के पास गए, शंकर जी कहने लगे, से भी यही प्रार्थना की कि ऋषि की आयु 4 दिन की रहेगी और ये एक्सटेंशन चाहता है, आपके हाथ में है। शंकर भगवान कहने लगे भाई बात तो इसकी ठीक है, परंतु मैं तो जैसा आदेश जिसका समय जब आ गया तो मैं तभी मारता हूँ, ऐसे नहीं मार सकता किसी को। अब यो 3रा दिन हो गया, शंकर जी ने सलाह दी कि चलो वहाँ चलते हैं, कल वहाँ चलते हैं, कहाँ, धर्मराज के पास, क्योंकि वहीं से आदेश आता है किसी को मारने का। अब धर्मराज एक न्यायाधीश होता है, यहाँ काल का न्यायाधीश है वो 21 ब्रह्मांड का। वहाँ गए ये चारों पांचों, कौन, एक तो व्यक्ति जो एक्सटेंशन चावा था, आयु वृद्धि चावा था, एक जिसने वह बताई थी अब तेरी इतनी उम्र है, दो तीसरे ब्रह्मा जी, चौथे विष्णु और पांचवें श्री शिव जी, ये पांचों पांच पहुंच गए धर्मराज के दरबार में। अब धर्मराज से कहा हम तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ने कही के हे धर्मराज, ये व्यक्ति परमार्थ के लिए कुछ समय चाहता है, इसकी आयु बढ़ा दो। और ये किस लिए चाहता है, कुछ भक्ति करना चाहता है, ये कोई किसी ऐसे वैसे उद्देश्य से नहीं एक्सटेंशन चाह रहा। अब धर्मराज ने निकाला अकाउंट, खोली वही उनकी वह अकाउंट देखा, वो समय लिखा हुआ था कि उसमें क्या लिखा था कि इसकी मृत्यु, अब वो टाइम तो उस दिन आ ही लिया था, 4th दिन हो गया, उसकी मृत्यु में लिख रखा था कि इस व्यक्ति की मृत्यु धर्मराज के दरबार में होगी, होनी चाहिए, और उस समय ब्रह्मा विष्णु और शंकर और साथ में वो ज्योतिषी ये यहाँ उपस्थित होने चाहिए। अब धर्मराज ने तो मौका पा गया, उसी समय उसकी मृत्यु होगी, नहीं बढ़ाई। अब तीनों भगवान नाराज हो गए और कहने लगे कि तूने हमारे यहाँ आने की क्या इज्जत रखी, तू तो बड़ा निकम्मा है, तू ऐसा है, तेरी गर्दन काट देंगे, लागे त्रिशूल ठाण, कोई सुदर्शन चक्कर ठावे। अब उसने कहा धर्मराज ने कि भगवान नाराज ना हो मुझ पर, मैं तो एक नौकर हूँ उस परम पिता का जिसका आदेश आता है,
और ये देख लो भाई इसमें के लिख रखा है। उसने दिखा दिया कि इसकी मृत्यु धर्मराज के दरबार में और ये चारों उपस्थित हों, पांचवा ये हो। धर्मराज बोला आपने तो मेरे को बहुत असुविधा कर दी, ना तुम न इकट्ठे करूँ और मैं कोई न कोई कारण करके। और सुनो यदि तुम इतने नाराज हो रहे हो तो अपनी आयु दे दो, इसको अभी जीवित कर देता हूँ। अब अपनी आयु कौन दे, वाह भाई वाह, तीनों खिसक गए वहाँ से, सारे गए खेद दे सी। तो पुण्यात्माओं मासा घटे ना तिल बधे, विदना लिखे जो लेख और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। जैसे अभिमन्यु जी थे, अभिमन्यु शुभद्रा पुत्र श्री कृष्ण के भांजे, महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में मारे गए थे। श्री कृष्ण रो रहे थे, यानी विष्णु जी को होते श्री कृष्ण जी को, शुभद्रा रो रही थी, टक्कर मार रही थी, पांडवों का कुल नाश हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण उसको जीवित नहीं कर सके। आपने एक और सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक साधु भेष बनाकर राजा मोरध्वज के घर गए थे और वहाँ एक माया का शेर बना लिया सिंह, और उनसे कहा था कि हमारा शेर मांस खाए मनुष्य का, और सुन ले मनुष्य का भी आपके घर के सदस्य को खाएगा, कि दे कोई पल्लेदार न पकड़ जाओ। अब पुण्यात्मा पहले संतों की इतनी महिमा होती थी, वो साधु संतों की बहुत आदर करते थे और ये भी सोचते थे कि साधु के रूप में भगवान आ जाता है। तो मोरध्वज ने जो कहा कि जैसे आप, मोरध्वज ने कहा जैसा आप कहोगे वैसे होगा। तो मोरध्वज ने अपने, मोरध्वज ने श्री कृष्ण जी के कहने से कि अपने पुत्र को काट के मेरे शेर को सिंह को खिला दे, दोनों पति पत्नी ने बच्चे को आरे से चीरना शुरू कर दिया, काट दिया, आर पार कर दिया और उसको जीवित कर दिया श्री कृष्ण जी ने। अब ये क्या कारण, जब तक इन किसी प्राणी के श्वास हैं तो उसको ये जीवित कर सकते हैं, अगर उसकी आयु नहीं है तो ये जीवित नहीं कर सकते। तो यही कारण था कि अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, उसकी मृत्यु संस्कार इतना ही था उसका जीवन, और तम्रध्वज की आयु शेष थी, उसको काट के जीवित कर देना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, भगवानों की सिद्धि है। जैसे एक समय एक कश्यप नाम के ऋषि थे, और वो चले जा रहे थे कहाँ, राजा परीक्षित के पास। कारण क्या था, उसको पता लग गया था कि राजा परीक्षित को सातवें दिन सर्प डसेगा और वो भी तक्षक, यानी बहुत भयंकर, इन तक्षक सांप बहुत भयंकर विष वाला, और उस तक्षक को पता लग गया कि कश्यप ऋषि आ रहे हैं और सुना है कि वो उद्देश्य क्या लेके आ रहे हैं कि मैं उस ऋषि को डसूंगा, ये जीवित करेगा, और मेरे को आदेश मिला है एक अन्य ऋषि का कि तुझे तक्षक डसेगा परीक्षित, और मैंने नहीं डसा, तक्षक सोच रहा है तो वो ऋषि मुझे श्राप देगा। इस डर से उसने कश्यप ऋषि से पूछा, हे ऋषि जी आप कहाँ जा रहे हो, मानुष शरीर धारण करके सर्प ने पूछा। कश्यप ने कहा कि मैं जा रहा हूँ राजा परीक्षित के पास, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यह है कि उसको तक्षक सर्प डसेगा और मैं उसको जीवित कर दूंगा, जिससे राजा मुझे गणाए धन दे देगा, मुझे बहुत धन देगा, इस उद्देश्य से जा रहा हूँ। तक्षक ने कहा कि मैं वही तक्षक हूँ और आप वहाँ ना जाओ, मैं आपको धन दे दूंगा, मेरे पास बहुत हीरे मणि जवाहरात हैं, तुझे दे दूंगा, तो उसको जीवित ना करना। तो कश्यप ऋषि कहने लगे कि मैं उनको जीवित अवश्य करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छे राजा हैं और जो धन राजा देगा वो तू नहीं दे सकता।
अब तक्षक कहने लगा भाई तू एक परीक्षा करा दे मेरे को, मैं इस पेड़ को डस दूंगा, एक वृक्ष था हरा भरा मोटा तगड़ा, और ये कति जल जाएगा सूख जाएगा एक सेकंड में, तो इसको फिर हरा भरा करके दिखा दे मैं मान जाऊंगा। वो कहने लगा कश्यप के कर तू डस। अब तक्षक ने उसको डंक मार दिया वृक्ष को, वो एकदम सारा काला हो गया और कति जल गया सूख गया। कश्यप ऋषि ने अपने मंत्र से उस पर मंत्र बोल कर जल छिड़क दिया, वो वैसा ही हरा भरा हो गया। तब तक सक हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया, ऋषि जी वहां ना जा तू, और ये मैं तेरे को धन दे दूंगा, मान जा मेरी बात। अब कश्यप ऋषि ने देखा ध्यान से कि उसने सोचा यूं तो देख लूं उस परीक्षित की आयु भी शेष है कि नहीं, तो क्या देखा उसने अपनी दिव्य दृष्टि से, सिद्धि होती है। उसने देखा कि परीक्षित का प्रारब्ध भी ही इतना है, आगे उसकी आयु शेष नहीं है। तब उसने कहा कि ठीक है मैं उसको जीवित नहीं करूंगा, आप मुझे धन दे। अब ये स्वार्थी उस तक्षक सर्प से धन हीरे मणि मणि लेकर वापस आ गया। अब उसको ये पता लग गया कि परीक्षित का जीवन ही इतना आगे बढ़ा नहीं सकता, अपने आत्मा इन अमरेसी का करते अरे ये डोवे डले है तेरा गजे भैया, दस दस साल बारह बारह वर्ष बैठ कर नौकुटी साधना करके सिद्धि प्राप्त कर ली, और वह भी क्या विस्तारण का जाडा लाना सीख गया किस्म का, और उसके बदले पीछे लेने चल पड़ा। और जब पता लग गया कि उसको वो जीवित हो नहीं सकता क्योंकि उसकी आयु नहीं है, तो सौदा वहाँ पटा लिया। ये ऋषि थे हमारे अपुण आत्माओं, जब आप तत्व ज्ञान से परिचित हो गए जब पता चला गया किसे ऋषि थे, ये तो माया के पुजारी थे। कहते हैं तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। एक समय एक गांव में एक मनीराम नाम का ब्राह्मण सत्यनारायण की कथा प्रारंभ कर दी उसने, और 30 दिन के लिए रख दी। उसने सोचा 30 दिन गांव में तो रोजाना 10-10, 20-20 रुपए आएंगे, तो भी 30 दिन में 500-600 रुपये तो होंगे। इस उद्देश्य से लंबा टाइम रख दिया, और अच्छे श्रद्धालु व्यक्ति होते थे उन्होंने कर दिया शुरू। उसी गांव में एक दो तीन नालायक आदमी थे, उन्होंने सोचा कि भाई यो ब्राह्मण 30 दिन हो गए इसने गांव से पैसे लेकर जाएगा, जिस दिन उसकी कथा का भोग पड़ना था 30 दिन के बाद, उस दिन उस सारे महीने में 30 दिन में मनीराम ब्राह्मण को केवल 30 रुपये ही दक्षिणा आई। वैसे तो बहुत पुरानी बात है, 30 रुपये चांदी के बहुत गणे होते थे, आज के तो मेरे ख्याल में वो 30,000 रुपये हो जाएं जो उस समय 30, क्योंकि उस समय तो 1 रुपये की भैंस आया करती, तो आज 40,000 में आवे। फिर भी क्या हुआ कि 30 रुपये टोटल आए पूरे महीने में, 30 दिन कथा करी। उधर से उसी गांव के कुछ शरारती व्यक्तियों ने गांव से चंदा कराया, और दिल्ली से एक नाचने गाने वाली लड़की ले आई, और उसी दिन सांग उसका जोड़ दिया जिस दिन पंडित जी की कथा का भोग पड़ना था। उस दिन क्या हुआ कि उस चंपा कली के तो पैसे आए 500 रुपये, उस दिन सब ने चढ़ा दी गांव के अन्य सब सारे गांव के व्यक्तियों ने 500 रुपये उसके डांस से खुश होकर 500 रुपये चढ़ा दे दिए उसको। उसको तो 500 रुपये प्राप्त हुए एक के दिन में, और मनीराम जी ने 30 दिन तक खड़ा करा, उसका 30 रुपये आए। अब लेकर 30 रुपये चल पड़ा। उस समय परमेश्वर कबीर जी की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहेब जी छुड़ानी वाले जिला जज्जर गांव छुड़ानी हरियाणा में,
वो यहाँ आए हुए थे, परमात्मा उनको मिले थे, गरीबदास जी को, कबीर परमेश्वर जी। उसके बाद गरीबदास साहिब जी की जो आत्मा है वो तत्व ज्ञान से रंगी जा चुकी थी, कई शिष्य भी हो गए थे। तो उस समय गरीबदास जी वहाँ बैठे थे और पांच चार भगत भी बैठे थे। उधर से वो मनीराम ब्राह्मण आ गया और बैठ गया कि आओ ब्राह्मण बैठो, बैठ गया। और वो कहने लगा, क्या कह रहा था कि महाराज जी बस के पूछो मत, बेड़ा गर्क हो लिया जनता का, थे बस पूछो मत, हैं ऐसा है कि भक्ति तो सबका मन उठ गया, क्या होगा इस जनता का। अब काफ़ी देर का वो करता रहा बिरड़ बिरड़। तब उन्होंने पूछा, वो शिष्य बैठे थे गरीबदास जी के, कि महाराज जी क्या दुख है इनको, क्या हो गया इनके साथ, ये बता भी नहीं पा रहे खुल के। तब गरीबदास जी ने कहा कि फूटी आँख विवेक की और अंधा है ये जगदीश, चंपा कली को 500, मनी राम को 30। अब ये सांका इसके जी ने, ये समस्या इसके सामने। अब मनी राम जी ने बताई भी नहीं थी गरीबदास जी को कि मैं किस दुख से दुखी हूँ। जब उन्होंने ये बात उनको बता दी कि ये इस कारण से दुखी है कि फूटी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश, यहाँ का यू काल भगवान इसे खुट्टे ठोक कर यू सारे काम उल्टे करवावे, यो तो धार्मिक काम कर रहा था तो शायद यू भी लालची, यू कौन सा अच्छा काम कर रहा था। इसका भी उद्देश्य मनीमेक था और उधर से चंपा कली का काम भी मनीमेक था, दोनों का उद्देश्य पैसे बनाना ही था। और उसने यो उलाना दे रहा है इसलिए कि मैं धार्मिक काम कर रहा था, लेकिन टट्टू धार्मिक कर रहा था, पैसे के ऊपर नज़र टिकरी, 500 ना इतने 30 आएंगे। तो यहाँ क्या बताया है कि फूटी ज्ञान विवेक की, विवेक रहा नहीं जनता के अंदर, और ये यहाँ का जो भगवान है ये ऐसे ही कर्म करवाता है, पुण्य पर पैसा लगने नहीं दे और पाप पर नरे खर्च करवा दे। और चंपा कली को 500 भाई, मनी राम को 30, ये नो ऐसे समस्या में ग्रस्त है, नो दुखी हो रहा है। चरण पकड़ लिए मनी राम ने, ए भगवान आपको कैसे पता चला। तो परमात्मा ने कहा, भाई मुझे पता कैसे चला, यह तो बात बहुत अलग है, बाकी आपका उद्देश्य उस चंपा कली तक कम नहीं था। हाँ जी, कति नो कहना। अब ज्ञान हुआ, परमात्मा ने उसको बताया कि इस माया का तू के चाटेगा, तुम कथा करते फिरते हो, तुम्हें खुद ज्ञान नहीं, पारायण करते फिर ये घर घर बार द्वार, आप ज्ञान है नहीं, और किसका करो उद्धार। जब तुम औरों को पार करने के चक्कर में फिरन लाग रहे, तुमने ज्ञान कति को नहीं, क्या का पार करोगे। आज तुम कथा करने का ठेका लिए बैठे हो, किस लिए करते हो कथा, क्या तुम उद्धार कर दोगे यजमान का, साधक का, भगत का। जब राजा परीक्षित को, जब राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था तो सभी ने सोचा था कि राजा परीक्षित बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, इनका जीवन एक्सटेंड हो, अच्छे धार्मिक राजा हैं। तो उस समय एक बताया गया था कि इस श्रीमद् भागवत की कथा इसको 7 दिन सुनाई जाए, 7 दिन या कथा की जाए, ये समाधान है इसका। तो उस समय गरीबदास साहिब जी ने बताया कि उस समय ये वशिष्ठ मुनि जी भी वहीं थे और व्यास जी जिन्होंने ये 18 पुराण सुधा सागर श्रीमद् भागवत लिखी है वो भी वहीं विद्यमान थे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कथा सुना दे, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था और उसकी पोल खुल जानी थी, सब पीछे नट गए। सुखदेव ऋषि बुलाए गए स्वर्ग से, विमान में बैठकर आए स्वर्ग से, उन्होंने 7 दिन कथा सुनाई।
अब 7 दिन कथा सुना के कंटिन्यूसली, और उधर से उसको ये पता था कि 7वां दिन तेरी मृत्यु होगी। तो इस अतिथि में जब व्यक्ति भगवान की चर्चा सुनता है उसकी विशेष श्रद्धा बनती है, उसकी विशेष श्रद्धा बनती है। उसको पता 7वां दिन तू जागा रहेगा नहीं, तो वो पल भी ध्यान नहीं हटाता वहां से। तो और फिर कथा कर सुनाने वाला भी योग्य हो, अधिकारी हो, तभी उसका लाभ मिलता है। तो उसने 7 दिन कथा सुनाई सुखदेव ऋषि ने, तो कितना उद्धार किया कि वो स्वर्ग चला गया, क्योंकि यहाँ के संसार की से उसका मन हट गया। और स्वर्ग वो केवल सुधा सागर यानी श्री भागवत की कथा सुनने से नहीं, वो एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी था, बड़े बड़े यज्ञ किया करता था। क्योंकि उस समय जो ब्राह्मण होते थे वो वेद का पाठ करते थे, वेदों के मंत्रों का पाठ करते थे, ओम नाम का जाप करते थे, और उन जैसा भी वो वेद अनुसार साधना करते और करवाते थे, वो यज्ञ होती थी, धर्म यज्ञ होते थे, भंडारे करते थे। तो उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप वो स्वर्ग चला गया, लेकिन उस कथा ने इतना काम किया, वो भी अधिकारी के द्वारा सुनकर, कि उसकी आस्था यहाँ से हटकर और श्रीमद् भागवत के अंदर वर्णित उस स्थान की, भगवान श्री कृष्ण की महिमा से वो उसमें आस्था बन गई, और जहाँ आस्था तहाँ बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई, इस आधार से वहाँ चला गया। तो इन कथाओं से हमने पुण्यात्माओं एक बहुत निष्कर्ष निकालना अच्छा, और अपने जीवन को उसी तरह ढालना है। अब जैसे जैसे इन अब किसी ने देख ले नरे गुरु बन गए, मैं भी तो तुम्हारे पाठ कर दूंगा, कोई काक में पोथी दे और चल पड़े है, मैं भी पाठ कर दूंगा। क्यों चल पड़ते हैं? क्योंकि उनको पता है पैसे चाहिए, और श्रद्धालुओं ने साधना करवानी है, अनुष्ठान करवाना है, और वो स्वयं ज्ञान से अपरिचित हैं श्रद्धालु, इसलिए इन नकली गुरुओं का और पाठकरणियों का दाव लगा हुआ है। ये तो ऐसे पाठकरणियाँ हैं, एक बार एक राजा ने महल घर बनाया महल, और उसमें ब्राह्मण ने बता दिया कि इसमें विद्वान ब्राह्मणों से 5-7 ब्राह्मणों से जाप करवा दे, यानी पाठ करवा दे, मंत्रों के जाप करा दे, वेदों के मंत्रों के। तो ऋषि ने वजीर की ड्यूटी ला दी, भाई वजीर तू जा ढूंढ के ब्राह्मणा ने एक अच्छा काशी विद्यापीठ पढ़ कराया हुआ था एक ब्राह्मण, उसका पता लगा, तो वजीर ने वो बुला लिया। उसने अपनी साधना शुरू कर दी, प्रतिदिन एक मोहर दे दे वो मंत्री उसको दीक्षिणा की। 1-2 दिन जब उसने जाते हो गया, रोजाना एक मोहर मिले, एक असरफी जो आजकल आज के हिसाब से लाओ तो 10-20 हज़ार की हो, मनवान जैसे 1 ग्राम 10 ग्राम की होती थी वो, आजकल तो 26,000 रुपये 25,000 रुपये तोड़ा हो रहा है। तो वो एक असरफी यानी एक मोहर लेकर आव डेली, उसकी पत्नी ब्राह्मणी ने नए तक कपड़े सिलवाए, नए मंगाए जूते, और फिर उसी कॉलोनी की स्त्रियां एक कुएं पर जल लेने जाती हैं, तब वहां देखती हैं एक दूसरे को कि इसमें के परिवर्तन किस कारण से हुआ, बड़े सुंदर कपड़े पहन रही है, अच्छे बढ़िया जूते पहन रही है। पूछा उसने दूसरी ब्राह्मणी ने, क्या कारण है, आपने तो बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे। उसने बताया मेरा पति जो है राजा के यहाँ जाप करने जाता मंत्रों के, वेदों के मंत्रों के, रोजाना राजा एक असर भी देता है। तो उसने अपने पति ब्राह्मण से कहा कि ऐसे ऐसे फलानी का घरवाला डेली वहाँ मंत्रों का जाप करने जाता है, एक असर भी देता है राजा, आप भी जाओ। वो कहने लगा भगवान वो तो विद्वान है, काशी पढ़का रहा है, मैं तो ऐसा ही हूँ, बस काम चलाऊ। तो वह लड़न लागी,
कि तू कुछ करके राजी को ना, तू ऐसा है वैसा है। उसने सोची यार रोज लड़ाई रखेगी, चाल देखी जाएगी। वो चला गया, वेशभूषा एक जैसी थी दोनों की, ब्राह्मण वो और ब्राह्मण वो बाह्य आडंबर से। अब वहां पहुंच गया, वो मंत्री से कहने लगा भाई मैं भी आ गया पाठ करण, काजा बैठ जाओ पंडित जी, मन तो जरूरत थी 5-7 ब्राह्मण इकट्ठे करने हैं। वो भी बैठा दिया, वो वहाँ बैठा मंत्र करे, वो वहाँ बैठ गया। उसने कुछ कहना आवे नहीं था, वो कह वो भूर भवे सवे अरवो नो कह जो यू कवे स्वाहा, जो यू कवे स्वाहा। और शाम को दोनों को एक असर भी मिल गई। फिर तीसरी को पता चला, उसने और अपना भेज दिया ऐसे कहे सुन के, वो भी नाट्या बतेरा कि मेरे बस का ना है, वो भी भेज दिया। अब वो जाकर बैठ गया, तीसरा भी कहने लगा मैं भी ब्राह्मण हूँ मंत्री जी। मंत्री जी बोले भाई ठीक है आजा बैठ जाए यहाँ पर, बड़ी दया करी भगवान ने, देख आप ब्राह्मण भेज दिए, मैंने तो ढूंढ के लेने थे। अब वो पहला तो अपना मंत्र ठीक बोलता है, दूसरा कहता है जो यू कहे स्वाहा, जो यू कहे स्वाहा। तीसरा बैठ के नो कहने लग गया कब तक निभाएगी स्वाहा, कब तक निभाएगी स्वाहा, यानी कदे तो मेरा पट्टेगा पिट्टा भी गए। फिर एक चौथी को पता लग गया कुएं पर कैसे ऐसे हो गया, उनको पैसे मिलते हैं, वो चौथी ने अपना भेज दिया, वो भी नाट्या की नहीं पार पड़ेगी वहाँ पर। वो बोली तुम ऐसे ही करते हो ये है, वो भी चला गया, उसको भी बैठा दिया। अब पहले वाला तो अपने मंत्र जाप करके करता स्वाहा, दूसरा कहता जो स्वाहा, तीसरा कहता कब तक निभाएगी स्वाहा, चौथा बोला नंबन दिया जब तक निभाएगी स्वाहा, यानी जब तक दाव लग रहा है लगा रहे दे स्वाहा। इन स्वा स्वा तो कहना, यानी कहने का भाव है कि ऐसी स्थिति आगी भक्ति से दूर हो गए। तो क्या परमात्मा जो हमें बताना चाहते हैं कि कबीर परमेश्वर वो समर्थ शक्ति हैं, उन्होंने अपनी महिमा अप बताई और जब वो परखे तो पूर्ण पाई उनको। जब हमने परमात्मा को पहचाना और उसकी उससे जो सुना था उससे जो लाभ उससे भी ज़्यादा मिला तो परमात्मा की महिमा को खरा पाया। तो उन्होंने वो समर्थ शक्ति है, उनके शब्द को उसमें इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। सतगुर जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े है। ओए है। अब उस समर्थ शक्ति की महिमा आपको बताते हैं। अपुण्यात्मा एक तो परमात्मा हमें ये बताना चाहते हैं कि मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया के काम। इस मनुष्य जीवन का यदि कोई उपयोग है, इसका लाभ है, तो केवल परमात्मा प्राप्ति है, अन्यथा इसका कोई यूज नहीं। जो कार्य मनुष्य जीवन में हम कर रहे हैं वो पशु पक्षी भी करते हैं, हमसे भी ज़्यादा प्यार से वो अपने बच्चों का पालन करते हैं, प्रजनन करते हैं, और यही क्रिया केवल हम ही करके मर जाते हैं तो हमारे जैसा ना लाए कोई को न। अब ज्ञान हुआ भगवान की भक्ति से तो प्रसंग जो चल रहा है, अब जो विषय चल रहा है कि वो समृद्ध शक्ति के दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं। यदि आप जी को लाभ नहीं मिल रहा है तो आपकी चूक चाकरी में, यानी आपकी कोई सेवा सिमरण भक्ति में श्रद्धा में कोई त्रुटि, उसको ठीक करो फिर देखो कैसे ना लाभ हो। अब ये वो परमात्मा है कि मासा घटे ना तल बधे, विध ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेठ के ऊपर मारे मेख। हमारे पास इस दास के पास ऐसे हजारों पत्र प्राप्त हैं जिनमें ऐसी ऐसी उन्होंने अपनी दुख दर्द भरी कहानी लिखी है। एक ने बताया कि मेरे को एक ज्योतिषी ने बता दिया हस्तरेखा
पामिष्ठ ने बता दिया कि जब तू 27 वर्ष का हो जाएगा तेरी मृत्यु होगी। मुझे चिंता बन गई। मैंने एक और दूसरे पामिष्ठ से दिखाया, उसने भी यही बताया। मेरा और कलेजा पकड़ा गया, मर गया भाई। उम्र मेरी उसमें 20-21 वर्ष की, मुझसे नहीं रहा गया। मैंने पूछा भी कोई और जो अच्छी है कहीं किसी से जिक्र किया, तो तीसरा बताया कि बिल्कुल सब सच बता देता। उससे पूछा, उसने भी यही बताया कि तेरी तो 27 साल की आयु है। अब मैंने सोचा भी मर गया तू, तो बात बिगड़ गई। घर वाले कह तू ब्याह करवा ले, शादी करवा, और मैं ना टू ना नू बताऊँ किस कारण से मना करता हूँ कि कहीं इनको भी चिंता हो जा, मैं तो दुखी हूँ ही हूँ। ऐसे कति बिल्कुल खाना पीना भी छूट गया। ऐसे ही उसने सत्संग सुना। एक दिन किसी भक्त ने बताया कि तू क्या तकलीफ है तेरे, उसको भी नहीं बताओ कि कहीं घर वालों को बता दे, चिंता में मर जा। कहने लगा मेरे कोई तकलीफ है भाई, मैं ठीक नहीं हो रहा, इलाज करवा ले कहीं से। भक्त ने कहा कि इलाज मैंने सारे करा लिया, कोई आराम नहीं होता। तो उसने कहा हमारे गुरुजी के पास चल, उपदेश ले ले, वो जो इन पामिष्टों से हाथ दिखा कर आया था उसने उस भविष्य बता रखा था। वो कहने लगा मेरी बीमारी का इलाज इस पृथ्वी पर कौन है। उसने कहा भी हमारे गुरुजी के पास तो बीमारी बात बता है, परमात्मा कबीर जी का, कबीर जी जो है ना उम्र भी बढ़ा देते हैं। वो कहने लगे सच्ची है, कहा सच्ची के सच्ची बात है, कहा सच्ची बात। उसके कहने से उसको कुछ आशा हुई कि मैं चल देखता हूँ, आ गया, सत्संग सुना। एक दो परमात्मा की कृपा से उसने बताया नहीं किसी को अपनी के उसके साथ क्या हो रहा था। एक आधे और को जो वो भगत जानता था कि देख इससे पूछ ले इसकी कैसे मृत्यु बता रखी थी, उसने बताया कि मेरे को यम के दूत ले गए, जो पामिष्ठ से हाथ दिखा रहा था उसको भगत बता रहा है। और मेरा समय पूरा हो गया था, मुझे यम के दूत लेने आ गए, मुझे ज़बरदस्ती ले गए ऊपर, नाम ले रखा था। ऊपर जाकर देखा धर्मराज ने निकाला मेरा अकाउंट, कहने लगा भाई इसकी उम्र तो बिल्कुल इतनी ही है, इसको पटक दो नरक में। उसी समय परमात्मा इस दास के रूप में पहुंच गए कि खबरदार छोड़ो इसको। धर्मराज कहने लगा जी मेरे इसमें अकाउंट में इतनी उम्र है इसकी, बोला तेरे अकाउंट नंबर आप पूरा कर दूंगा, इधर छोड़ो।